Hello students, now today we will discuss about the famous Coulomb's law. Coulomb's law एक ऐसा law था जिसने दो charges के between force को भी calculate किया and after calculating the force between the two charges, this law helps us to find out the unit of charge. मतलब इसने दो काम किए, एक तो दो चार्जेस के बिटवीन फोर्स को कैलकुलेट किया और दूसरा काम इसने क्या किया, जो चार्ज है उसके यूनिट्स को हमें असाइन करके दिया. तो व्हाट इज कूलम्स लॉ, सिंपल अगर यूज किया जाए तो दिस लॉ हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम और इन मीडियम. और एक चीज और याद रखना, जब दो चार्जेस आपस में फोर्स लगाते हैं तो हम उसको एक और नाम भी देते हैं एंड दैट नेम इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब जब हम दो चार्जेस को आसपास रखते हैं तो वो दोनों चार्जेस में से एक चार्ज दूसरे पे या दूसरा चार्ज पहले पे फोर्स लगाएगा तो वो एक नया टर्म बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इस आर्टिकल के बाद डिस्कस किया जाएगा बट आपको पता जरूर होना चाहिए. तो होगा क्या, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जब हम दो चार्जेस लेते हैं, सपोज वी हैव टेकिंग कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज लेट टू बी स्मॉल आर. हमने क्या किया, दो चार्जेस और उनके बीच में सेपरेशन कितना लेट किया, स्मॉल आर. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इतना तो आप सबको पता है, अगर ये दोनों चार्जेस सपोज करो पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर ये दोनों चार्जेस सपोज नेगेटिव हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट सपोज करो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, दिस इज द नेचर ऑफ फोर्स. और मैंने आपको पहले बताया जब भी चार्ज कहीं आएगा तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट भी कर सकता है और लगाई हुई फोर्स को एक्सपीरियंस भी कर सकता है. तो हम सबसे पहले कूलम्स लॉ में किसकी बात करते हैं, फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. व्हाट डज दिस इज, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू इंटू क्यू. मींस अगर आपको इसके और इसके बिटवीन फोर्स को कैलकुलेट करना है तो आप इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट ले लो. अब सपोज करो कैपिटल क्यू का मैग्नीट्यूड 2 है और स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड 4 है तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट 8 ना, तो वो फोर्स कितने न्यूटन की अज्यूम कर ली जाएगी, 8 न्यूटन की. सपोज करो क्यू का मैग्नीट्यूड 5 था और स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड 10 था तो आपकी फोर्स इनके बिटवीन कितनी हो जाएगी, 5 × 10 gives us 50. तो इन दिस वे कूलम्स हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू एग्जिस्टिंग चार्जेस. और उसी के बाद वो कहता है दिस फोर्स is inversely proportional to the square of distance between them. अब square of distance का मतलब क्या होगा, f is inversely proportional to 1 by r square, let it is equation number 1, let it is equation number 2. means क्या है इसका, अब आपके पास एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, पास पास पड़े थे तो नेचुरली दोनों एक दूसरे पे मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे. जैसे होती है ना मैग्नेट, और मैग्नेट के सामने आयरन रख दिया जाए तो मैग्नेट या आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर जितना पास होंगे उतनी ज्यादा इनके बीच में फोर्स होगी. पर ये अगर आयरन यहां की बजाय यहां कर दूं तो नेचुरल फोर्स डिक्रीज करेगी, आयरन और आगे ले जाऊं तो फोर्स घटती घटती जीरो हो जाएगी. इसका मतलब बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस द फोर्स विल गेट रिड्यूस्ड. इसीलिए बोलते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. व्हाई स्क्वायर इज बीइंग अप्लाइड ना, स्क्वायर इसलिए लगाते हैं ताकि हल्का सा वैल्यू मैक्सिमम चेंज इसके अंदर शो कर सके. लाइक मैं डिस्टेंस को पहले 2 सेंटीमीटर लेता हूं और अगली बार डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर कर दिया तो f इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 स्क्वायर, अगली बार f इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 स्क्वायर, ये तो बना 1/4, ये बन गया सीधा 1/16. हालांकि सिर्फ 2 सेंटीमीटर का चेंज हुआ था बट फोर्स 1/16 टाइम्स रिड्यूस हो गई, इसीलिए स्क्वायर अप्लाई किया जाता है. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूंगा तो कंबाइनिंग 1 एंड 2 f इज प्रोपोर्शनल टू q q एंड अपॉन में r स्क्वायर. आगे आप जानते हो अगर इसको रिमूव करना है तो वी हैव टू अप्लाई एन इक्वल विद कांस्टेंट, हियर कांस्टेंट इज आवर k. तो कूलम्स का बन गया f इज इक्वल टू k q इनटू q बाय r स्क्वायर.
अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं तो यहां पे k का वैल्यू अप्लाई होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q क्यूब बाय में r स्क्वायर। k इज आवर कांस्टेंट नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Here epsilon naught is our another constant term which is known as absolute permittivity.